देसी रेडियो प्रोजेक्ट कलेक्शन है, सुरों की एक्शन है, दिल से कनेक्शन है, सॉन्ग सिलेक्शन है, शुद्ध देसी रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। आप सुन रहे हैं मुझे हार्ट टू हार्ट में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। आपके दिल के करीब जाने का समय आ गया है। चलते एक नए सफ़र पे जहां दिल की सच्चाइयों से होंगी सच्ची बातें, आपके दिल की बातें हमारे दिल से, हार्ट टू हार्ट में। मैं बात कर रही हूँ टेक्नोलॉजी को माइनस करके अगर हम जेन्यून कॉन्वर्सेशंस की बात करें, जहां पे कि कब रिप्लाई आता है ये मैटर ना करे, कब आना था, कब बात होनी थी ये मैटर ना करे, मगर बात क्या होती है अगर ये मैटर करे, इस पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो शायद हमारे रिश्ते भी पहले के रिश्तों की तरह मज़बूत हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैसेजेस के बारे में। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक, क्योंकि मैं शायद इसकी गुनहगार हूँ कि मैं बहुत जल्दी से रिप्लाई नहीं करती मैसेजेस के। आई टेक माई ओन टाइम। तो आज हम मैसेजेस के बारे में ही बात करेंगे, मैसेजेस के माया जाल के बारे में बात करेंगे कि रिप्लाई कब दें, रिप्लाई दें कि नहीं दें, क्या क्या सही क्या गलत और क्या लोगों के दिमाग में चल रहा था उसके पीछे, उसके बारे में हम बात करेंगे आज इस टॉपिक, आज हार्ट टू हार्ट में, इस टॉपिक में जिसका नाम है मैसेजेस का माया। बातें लिख
तुम्हारी मेरी बातें यूं ही चलती रहे। आप सुन रहे हैं मुझे हार्ट टू हार्ट में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार मैं लेके आई हूँ, डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ, मैसेजेस के बारे में, मैसेजेस का माया जाल, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मैसेजेस की रिप्लाई लोग जो देर से देते हैं या नहीं देते हैं, आज उनकी सबकी खिंचाई होने वाली है, खबर लगने वाली है, इसके बारे में बात कर रहे हैं आज। तो दो लाइनें हैं कि सुना है उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है उसकी बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो बात करके देखते हैं। सुना है उसे लोग आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, उसके शहर में कुछ दिन ठहर के हम भी देखते हैं। अहमद फराज साहब की ये दो लाइनें हैं, बातों का जिक्र तो बातों के ऊपर में दो लाइनें। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता है, आजकल तो रील्स और वीडियोस का ज़माना है, तो आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ गया कि कोई बुज़ुर्ग लोग हैं, दो कपल हैं और यू नो कभी वो पार्क में हमें बैठे हुए दिख रहे हैं, यू नो समटाइम्स वी गेट टू सी दोस काइंड ऑफ रील्स कि काफ़ी लोग हैं जिनकी उम्र है और वो बाग में हैं या सड़क पर क्रॉस करते हुए हमें दिख रहे हैं, बाहों में बाहें डाल के दिख रहे हैं और काफ़ी प्यार उनमें दिख रहा होता है। तो हमारे दिल में भी आता है ना कि हमारे साथ भी कोई एक ऐसा हो इंसान जिसके साथ में हम अपनी ये नो सारी ज़िंदगी गुजार सकें और जो हमारा उम्र का जो अंतिम पड़ाव आता है या जो उम्र की हमारी ढलती शाम आती है उसमें हमारे साथ कोई रहे जो ऐसे ही हाथों में हाथ पकड़ के रहे हमारे साथ में, चाहे पीठ झुकी हुई है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, यू नो पाँव हाथ पाँव जवाब दे चुके हैं, झुर्रियाँ हो गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन हड्डियों में जान नहीं है, लेकिन इस सब से किसी को कुछ फ़र्क ना पड़े और यू नो इस इतनी शारीरिक तकलीफ़ों के बाद में भी दो लोग उतने बहुत ही प्रेम से प्यार से, जो कि आज प्यार वैसा प्यार दिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ऐसे लोग तो देखें तो हमें भी मन करता है कि हाँ काश कोई हमारे साथ भी ऐसे होता है, isn't it? लेकिन जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो जीवन भर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि मैसेजेस के मोहताज नहीं होते हैं, यानी कि उनको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कुछ लिखा तो अगले बंदे ने कभी जवाब दिया, कितनी देर में जवाब दिया, उनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वो एक मैसेज ना आने पे, किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं आने पे इतने जजमेंटल नहीं हो जाते कि यू नो अगर तुमने मेरा जवाब नहीं दिया, एक पूरे दिन तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, यू नो उनके दिमाग में ये सब, ये छोटी बातें हैं उनके दिमाग में और ये सब कुछ उनको आता नहीं, दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती हैं। और आजकल की अगर हम जनरेशन की बात देखें, हमारे जनरेशन की बात देखें,
तो उन्हें मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखना समझना चाहिए ये पुरानी जनरेशन से, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के बिना प्यार को पाया है, समझा है और जिया है. वो लोग जो हैं, जो जी गए, जो ऐसी मिसालें छोड़ के लिए हमारे लिए चले गए हैं, इस काइंड ऑफ लाइक अ प्यार के मैनुअल्स हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जिनको हम देखें, समझें, पढ़ें और प्यार को हम समझें. वो इतना सारा खजाना, इतनी सारी नसीहतें, एग्जाम्पल्स छोड़ गए हैं हमारे लिए. और उनका प्यार हमें ये सिखाता है कि किसी भी गैजेट या किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी एप्स के ज़रिए दो लोगों के मन में, के अंदर में क्या चल रहा है, कैसे कोई ऐप, कैसे कोई टेक्नोलॉजी, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कैसे बता सकता है कि दो लोगों के अंदर में क्या अंदर चल क्या रहा है, इंसान के दिल के अंदर में क्या चल रहा है, ये कैसे कोई टेक्नोलॉजी या मैसेजेस कैसे माप सकते हैं. मतलब कोई कोई माप तोल हो ही नहीं सकता, इसको तो बयां ही नहीं किया जा सकता है. तो कहने का मतलब, तात्पर्य ये है कि कोई आपके मैसेज का जवाब 2 मिनट में दे, 2 दिन में दे, 2 घंटे में दे, या फिर शायद जवाब ना भी दे, इससे फ़र्क क्या पड़ता है. सिर्फ, और ये जो ड्यूरेशन है अगले बंदे का आपको देर से मैसेज का रिप्लाई करने का, ये आपको बता नहीं सकता कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में चल क्या रहा है आपके बारे में, उसको आपकी बातें अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं, क्या टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती बिल्कुल भी कि इंसान के अंदर दिल में क्या चल रहा है. तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि टेक्नोलॉजी को अगर हम माइनस कर दें और अगर हम जेन्यून कॉन्वर्जेशंस की बात कर रहे हैं, जो लोग दो बैठ के साथ में बात करते हैं, जहाँ पे कब रिप्लाई आता है ये मैटर ना करे, फ़ोन कब आया ये मैटर ना करे, बात क्या हो रही है, जब ही भी मिल रहे हैं, जब ही भी जवाब आ रहा है तो बात क्या हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है और वो मैटर करे, इस पे अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो शायद हम पहले के ज़माने वाले लोगों की तरह रिश्तों को समझ पाएंगे और रिश्तों को उसी तरीके से हम निभा भी पाएंगे. तो बात, आप समझ गए हैं कि मैं बात क्या कर रही हूँ, मैसेजेस का माया जाल, कब कौन कहाँ किसने क्या जवाब दिया नहीं दिया, इसी के बारे में बहस चल रही है, इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो सुनते रहिए हार्ट टू हार्ट, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो. मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई. बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, तिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम मेरे कदम मेरे कदम, किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई. भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सांस है, सांस है, ये कौन आज दूर में मेरे आस पास है, ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा 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 के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, हो
लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोली तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा फ्रॉम द मूवी बातों बातों में, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बिल्कुल मेरे आज के टॉपिक के ऊपर बिल्कुल एप्ट है, सही बैठता है। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा न मगर न जाने ऐसा क्यों हुआ, धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। टडा टडा टडा। सो बात कर रही हूँ आज मैं मैसेजेस के बारे में बात कर रही हूँ। ये मैसेजेस को, ये जो लेट से रिप्लाई करने वाले लोग हैं ना, मैं उनके बारे में आज बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बातों में छुपी रहती हैं ज़िंदगी की राहें, समझ लेना बिन बोले भी हर दर्द की दास्तान। अब आई सपोज टू बी प्लेइंग वन मोर सॉन्ग फॉर यू गाइस, सो हियर चेक दिस वन आउट एंड आई विल बी कमिंग राइट आफ्टर दिस। ना हमने सुना।
खामोश सा अफसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता ना हमने सुना होता। बहुत ही खूबसूरत सा लता दी और सुरेश वाडकर जी का गाया हुआ ये गाना, और दिस इज़ फ्रॉम एन एल्बम आई गेस पंचम, और ऑफ कोर्स आडी बर्मन जी का इसमें संगीत और लिरिक्स मेरे फेवरेट गुलजार साहब के। तो जैसे कि मैं इस गाने के पहले बात कर रही थी कि बातों में छुपी रहती हैं जिंदगी की राहें, समझ लेना बिन बोले भी हर दर्द की दास्तान। कोई शायद आपको महीने दो महीने तक फ़ोन ना करे, लेकिन शायद दो तीन महीने के बाद अगर कहीं मुलाकात हो तो किस तरीके से बात होती है, क्या बात होती है, आपको कैसा महसूस होता है उस वक्त, वो मायने रहता है। ये मायने नहीं रखता कि उन्होंने आपको जवाब जल्दी क्यों नहीं दिया। और इन बातों पे बहुत बहुत झगड़े होते हैं, आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत झगड़े होते हैं और आप लोगों को ये मालूम भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस बात पे, छोटी सी बात पे ये झगड़े करना बहुत ही बेमतलब बेमानी मुझे लगता है। और ऐसा है ना कि मुझे लगता है कि इन्हीं छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों की वजह से, ये जो छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं ना हम लोगों से, उनकी वजह से ये जो इतने प्यारे रिश्ते होते हैं उन्हें हम खो देते हैं। और फिर हम इधर उधर मारे मारे फिरते रहते हैं कि कोई है नहीं हमारी ज़िंदगी में, कोई हमें प्यार ही नहीं करता। जो ये जो रिश्ते होते हैं, ख़ास तौर से जो प्यार का रिश्ता होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, टू ग्रो दिस इमोशन। किसी पौधे की तरह आप समझ सकते हैं, किसी फूल की तरह से समझ सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम पौधा लेके आए, हमने उसमें पानी डाला और हम एक्सपेक्ट करें कि कल ही उसमें से फूल खिल जाएगा। अगर हमें बहुत सुंदर सा फूलों से भरा हुआ अगर हमें एक बगीचा चाहिए, तो उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना, हमें वक्त देना पड़ेगा। जैसे कि पौधे के लिए उगने के लिए धूप लगती है, मिट्टी लगती है, खाद लगती है, पानी लगता है, और बहुत बहुत सारा समय लगता है। उसी तरीके से प्यार के लिए भी टाइम लगता है, आराम से काम करना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है। जैसे उस पौधे को वैसे ही प्यार के लिए भी ऐसे ही प्यार को आप समझते हैं, प्यार रूपी पौधा समझ सकते हैं। तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि बस मैसेज नहीं आया या फिर किसी ने जवाब कॉल आपका रिटर्न नहीं किया और आप बस गुस्से हो गए। तो सोचें इस बारे में कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानो, अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगी मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। गबा
कुछ तुम हो जाते कहना ही क्या जो नैनिक अनजान से मिले। आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट पे मुझे शालिनी को ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो पे। शुद्ध देसी रेडियो को फॉलो करना ना भूलें ताकि हर वेंसडे को आप मेरी ये अच्छी अच्छी बातें मिस ना कर सकें। और अगर कोई आपको सवाल हो, कोई फीडबैक हो, कुछ आपको शेयर करना है तो आप रेडियो के मैसेंजर पे लिख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे मैं हूँ शालिनी के नाम से, शालिनी दीक्षित। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं और वो मेरा हैंडल है आरजे शैली, विच इज़ आरजे SHAIELY। जी हाँ, तो दोनों जगह पे आप मुझे और रेडियो को फॉलो करें और यू नो वी कैन टॉक मोर ऑफलाइन अगर आपको कुछ फीडबैक है या यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग टॉपिक से रिलेटेड बातों के बारे में। तो हार्ट टू हार्ट में आज हम बात कर रहे हैं मैसेजेस के बारे में। ज़्यादातर लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट होता है और कॉन्स्टेंटली ये होता रहता है, उसकी वजह होती है टाइम पे रिप्लाई नहीं आना। अगर आपको ख़ास तौर से तो प्रॉब्लम तब हो जाती है कि जब सामने वाला आपको, आगे वाला ऑनलाइन दिखाई पड़ रहा है और आपको मालूम है कि you know, वो है या तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा है या you know, अपने फैमिली के साथ में वो बात कर रहा है, लेकिन आपको उसने जवाब नहीं दिया। तो उस समय जो पहला ख्याल आता है, एक तो बुरा लगता है और ये आता है कि अरे ये तो अगला वाला बंदा मेरी तो वैल्यू ही नहीं कर रहा है, वो ही इज़ टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड और मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी तो कोई वैल्यू लाइफ में नहीं है, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है एंड व्हाट नॉट। बहुत बहुत सारे निगेटिव थाट्स ख्याल उस समय आने लगते हैं और गुस्सा इसी बात पे आता है कि ये यार मैंने लिखा है और मैं तो फटाफट जवाब दे देता हूँ, इसका ये अगला वाला बंदा मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा है, रिप्लाई टाइम पे क्यों नहीं आ रहा। होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा मानना कुछ दूसरा है इसमें कि रिप्लाई अगर देर से भी आ रहा है, पर आ तो रहा है ना, और जब रिप्लाई आ रहा है तो क्या बात हो रही है, वो मुद्दे की बात है और वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मान लीजिए रिप्लाई आया भी नहीं, कभी देर सबेर जब भी बात भी हुई, तो बात क्या हो रही है, कैसे हो रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से।
मतलब वो घड़ी मत आप देखते रहिए कि अरे एक दिन हो गया, अरे यार 5 1 हफ्ता हो गया, जवाब ही नहीं आया. और मैं ये रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, उस वाले कॉन्वर्जेशन की बात कर रही हूँ. मैं ये काम की बात नहीं कर रही हूँ कि अगर आपने कुछ ईमेल लिखा है और आपने कुछ वेट कर रहे हैं, आप ज़रूरी आपको फटाफट से जवाब चाहिए और भाई हम तो नहीं देंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क हियर एट ऑल. आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप. आई एम टॉकिंग अबाउट ख़ास तौर से प्यार में जब हम होते हैं और हमें एक दूसरे की मैसेजेस का जो बेसब्री से इंतज़ार होता है और उस पर जो बड़ी झगड़े होते रहते हैं कि जवाब क्यों नहीं दिया, जवाब क्यों नहीं दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. अब कि अगर वही मैं बोल रही हूँ तो क्योंकि घड़ी ना देखें आप उस कॉन्वर्सेशन के समय में. और अगर आपको कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक चाहिए होती, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग फॉर एवर फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, सो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे फटाफट मैसेजेस में नहीं हो जाता. आप एक दो मैसेजेस के रिप्लाई के बेस के ऊपर, कब रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अगला आपको कितनी अहमियत दे रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है, कितना प्यार करता है, कितना प्यार नहीं करता. नहीं कर सकते, महसूस ही नहीं कर सकते आपके अगला वाला इंसान क्या फील कर रहा है आपके बारे में. उसके लिए तो वो जो मैं जेन्युइन कॉन्वर्सेशंस की बात कर रही हूँ कि वो ज़रूरी है कि आप पास में बैठें, साथ में बैठें और आप फिर बात करें. पर मुझे वही लगता है कि झगड़ा करने के बजाय ये कि रिप्लाई क्यों नहीं दिया, रिस्पांस क्यों नहीं दिया, और इसके बजाय इस बात पे हम फोकस करें कि हम बैठ के बात करने की कोशिश करें. वन ऑन वन की बात मैं कर रही हूँ. सो, जो ये हमारी आजकल की टेक्नोलॉजी है, जो हमारे ऐप्स हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया है, लेट ऑल दीज थिंग्स लेट दम नॉट रियून सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विच यू हैव. दो लोग जो रिश्ता है दोनों का बहुत खूबसूरत, इन टेक्नोलॉजी और ऐप्स और वॉट नॉट इसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को, रिश्तों को ख़राब ना होने दें. डोंट रियून देम, ये कहना चाहती हूँ मैं आपसे. सुनाती हूँ आपको बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना, बातों को तेरी, अरिजीत सिंह का गाया हुआ. और आप ये गाना सुनिए और मैं आती हूँ, मिलती हूँ आपसे इस गाने के उस पार. बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. कितनी चाहत है दिल में तू जानना, कैसे दिल को समझाए दिल मानना. बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. मेरी तमन्नाओं का एहसास तू, मैं कहीं भी रहूं मेरे आस पास तू. खुदा जाने खुदा जाने खुदा जाने, एक पल भी तुमसे दूर जा ना सके. होके जुदा हम ना जुदा हो सके. बातों को तेरी हम भुला ना सके,
होके जुदा हम ना जुदा हो सके। मेरी तमन्नाओं का एहसास तुम, मैं कहीं भी रहूं मेरे आस पास तुम। खुदा जाने खुदा जाने खुदा जाने एक पल भी तुमसे दूर जा ना सके। होके जुदा हम ना जुदा हो सके। बातों को तेरी हम भुला ना सके। होके जुदा हम ना जुदा हो सके। You're listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb. जी हाँ दोस्तों, हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फेसबुक पे ऐप स्टोर पे जाके और यू नो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यू नो यू कैन इवन टेल अलेक्सा टू प्ले शुद्ध देसी रेडियो। हाउ कूल इज दैट। तो बात कर रहे हैं आज मैसेजेस के बारे में, राइट? इमोशंस जो होते हैं और उन्हें कैसे एक्सप्रेस करना है, उन्हें कैसे बयां करना है। हर किसी का एक्सप्रेशन का तरीका अलग होता है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ रिप्लाइंग एंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। तो यही बात कर रहे हैं। और मैं ये कहती हूँ कि रिप्लाई अगर देर से भी आ रहा है तो मुझे लगता है ये खुशी की बात है। कम से कम आ तो रहा है रिप्लाई, और आपके पास कोई ऐसा है जो कि आपको प्यार करने वाला है, जो कि आपको यू नो मैसेज के जवाब दे रहा है या बात कर पा रहा है। तो पहले मैं जैसे कि बात कर रही हूँ कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में बात कर रही हूँ, तो जैसे कि हर ऐप्स में डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, वैसे ही हर जनरेशन का भी अपना बात करने का एक अलग ही स्टाइल, एक अलग ही तरीका होता है। और वही मैं बोलूँगी कि किसी भी तरीके से बात हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है, मुद्दा क्या है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर हम 70s की 80s की बात करते हैं, 70s के टाइम में जब नए नए लैंडलाइन आए हुए थे और जब उनका जो कॉन्वर्सेशन होता था लैंडलाइन पे बात करने का वो तरीका, और 90s में जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन में बात करने का तरीका एकदम ही अलग होता है। और फिर बाद में 2000s में जब हम आते हैं तो ये सारे न्यू ऐप्स, चैट्स, मैसेंजर्स आ गए, और हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल, बात करने का तरीका हमारा लोगों से यू नो ऐसे बदलता जा रहा है। हमारी आजकल की जनरेशन जहाँ पे हम हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधाएँ हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास में गैजेट्स हैं, और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है, बात करने के लिए बहुत बहुत तरीके हैं। हम बहुत लोगों से जुड़ सकते हैं, कनेक्शन रख सकते हैं, पर कनेक्ट करना कैसे है ये कौन सिखाएगा, ये किसी ने नहीं सिखाया। हमारे सबके पास में मोबाइल फोन्स हैं, लेकिन कनेक्ट कैसे होना है वो हमें नहीं आता। मतलब कि बात करें तो बात बनती है, मैसेजेस यू नो मैं अगर जब 90s की और पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, मेरे ज़माने की अगर मैं बात करूँ, तो वो समय जब नए नए लैंडलाइंस आए थे, यू नो, तो वहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ, बात करने का अलग ही तरीका था। यू नो पीपल यूज़ टू डू ब्लैंक कॉल्स, तो दो घंटी बजा के रख देना, तो वो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ सिग्नल कि मेरे दो घंटी बजाने का मतलब क्या है, या मेरे एक घंटी बजाने का मतलब क्या है, कि इस दुकान पे मिलना है, कि इस पार्क में मिलना है, या वट एवर दैट आई एम मिसिंग यू, यू नो दैट वॉज अ कम्युनिकेशन स्टाइल। और एक बात भी नहीं हुई और वो एक रिंग से समझ में आ जाता था कि ये किसका फोन है और ये क्यों है,
बात कुछ भी नहीं हुई, बात कुछ भी नहीं हुई इसमें तो, कुछ रिप्लाई कब आया कब नहीं आया वो तो कुछ बात ही नहीं है। चिट्ठियों का जो दौर था, ओ माय गुडनेस, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी, या आप में से कितने लोगों को चिट्ठियों का, पत्रों का, ख़तों का इंतज़ार रहता था। मैंने बहुत बहुत लेटर्स लिखे हैं, और वो यू नो वो ड्यूरेशन कितना होता था, आपने चिट्ठी लिखी है, फिर आपने पोस्ट करी है, फिर उस डाकिया आएगा, वो लेके जाएगा, एक एक महीना लगता था एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पहुंचने में, और फिर वहाँ से जवाब आना, तो आपका 2 महीना तो हो गया, लेकिन आप इंतज़ार है, इंतज़ार का भी अपना मज़ा है। देर इज़ नथिंग कि डिले क्यों हो गया, देर क्यों हो गया, वैसा कुछ नहीं है। देन वो ये वाली प्रॉब्लम्स तब थी ही नहीं, यू नो, और कभी कभी तो पोस्टमैन होता, डाकिया होता भी नहीं था, हम ही लोग एक दूसरे के डाकिया बन के चिट्ठियाँ इधर उधर पहुँचा रहे होते थे। ओ माई गुडनेस, क्या क्या दिन थे वो। और फास्ट फॉरवर्ड अभी की बात, अभी हमें कुछ वेट नहीं है, देर इज़ जीरो वेट टाइम, हमारे हाथों में मोबाइल है, 10 ऐप्स हैं, आप 10 ऐप्स में से 10,000 लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कितने नाखुश हैं, हमें कितनी शिकायतें हैं। तो आप इस बात पे फोकस करिए, ध्यान करिए, क्योंकि उस समय में हम, हमें जब किसी से कभी मिलने का भी मौका मिलता था, तो एक तो बड़ी मुश्किल से मिलने या बात करने का मौका आपको मिलता है, और जब जो मिला तो उसमें शिकायतें और जो गिले शिकवे हैं, गलतफहमियां, उनको तो साइड में बात ही कर लो, क्योंकि उसके बाद अगले जाने कब बात करने के लिए मिलेगा। तो देर से जवाब या नहीं मिलना, ये सारा प्रॉब्लम ही नहीं था, मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स थे ही नहीं। और उस समय जब मिलना है या चिट्ठियाँ हैं या फिर यू नो जो भी होता था, सिर्फ और सिर्फ कायदे की, यानी कि खुशी वाली बातें, प्यार की बातें ही हुआ करती थी। तब हमारे पास साधन कम थे और हम ज़्यादा नज़दीक थे लोगों के पास, ज़्यादा करीब थे। अब हमारे पास साधन बहुत हैं, हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन हम लोगों से दूर जा चुके हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जो पास हैं भी, पर फिर भी वो उतने पास नहीं हैं। बहुत शिकायतें, बहुत गिले शिकवे हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि पहले वाला ज़माना ज़्यादा अच्छा था, जब लोग दिल से ज़्यादा करीब थे। अभी टेक्नोलॉजी के करीब हैं, मगर दिलों में दूरी है अभी। आपको मैं इन क्वेश्चंस के साथ छोड़ के जा रही हूँ कि आपको कौन सा ज़माना ज़्यादा अच्छा लगता था, या फिर यू नो किन चीज़ों को, किन बातों को आप ज़्यादा याद करते हैं या मिस करते हैं। मगर मुझे तो डेफिनेटली वो चिट्ठियों वाला दौर, वो लैंडलाइन वाला दौर, वो मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत ही दिल के करीब है। छोड़ के जा रही हूँ आपको दो बहुत ही खूबसूरत गानों के साथ।
मैं हूं शालिनी और आप मुझे सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो, आपके दिल की बातें हमारे दिल से। शुद्ध देसी रेडियो को फॉलो ना करना पड़े ताकि ना भूलें, ताकि अगले वेंसडे को आप मेरी ये मेरा ये प्रोग्राम और ये मेरी अच्छी बातें ना मिस कर सकें। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे भी। इंस्टा पे मैं हूँ आरजे शैली के नाम से, विच इज़ आर जे एस एच ए आई ई एल वाई। तो आप बताइए कि आपको रिप्लाई कितनी देर में आता है, 5 मिनट में आता है, 5 घंटे में आता है, या फिर डायरेक्ट फ़ोन आ जाता है आपके पास में? मुझे ऐसा लगता है कि टेक्स्ट में, मैसेजेस में टोन का पता नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से बात कर रहे हैं। उसके लिए सामने बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि फ़ोन से भी ज़्यादा सामने बैठ के आप अगर फेस टू फेस बात करें वो ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि नहीं कर सकते हम लोग बातें सामने आमने सामने बैठ के, तो या फ़ोन पे भी बात चल सकती है। तो मगर बात कर रही हूँ अगर मैं टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट मैसेजेस बने ही इसलिए थे कि जो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो हमने फटाफट छोटा सा एक मैसेज लिखा और छोड़ दिया, कि या फिर हम ऐसी जगहों पे होते थे कि जहाँ पे कि हम बात नहीं कर सकते, तो वहाँ उस ऐसे हालातों और ऐसे समय के लिए टेक्स्ट मैसेजेस बने। लेकिन हमने क्या किया कि हमने टेक्स्ट मैसेजेस को अपना प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन मान लिया, जो भी है चैटिंग वगैरह जो भी बातें हैं
वो हमारी शुरू हो गई मैसेज के ऊपर में। और लेकिन मैसेजेस में तो आपको पता ही नहीं लगता ना, क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या अगला बंदा क्या सोच रहा है, क्या क्या कहना चाहता है, मन में क्या चल रहा है। इमोशंस नहीं होते कोई टेक्स्ट में, देयर इज़ नो टोन्स, टेक्स्ट मैसेजेस आर इमोशनलेस। और एक मैसेज के ऊपर आप पूरी कहानी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ बहुत सोच सकते हैं कि अच्छा उसने ये लिखा तो इसका ये मतलब होगा, व्हाट नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और ये जो ऐप्स हैं, इनके बेसिस पे किसी भी रिश्तों का को जो मापना है या तोलना है, इट्स रियली डेंजरस एंड नोबडी शुड बी इवन डूइंग दैट। इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहिए, इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए इन गैजेट्स को, और जैसे कि मैंने बोला टेक्नोलॉजी को कि इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बनाए गए हैं। ये नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारे रिश्ते कैसे चलेंगे और कितने दिनों तक ये रिश्ते हमारे टिकेंगे, कौन हमारे साथ रहेगा या कौन हमारे साथ नहीं करेगा। ये कम ऑन, हम किसी ऐप्स को, टेक्नोलॉजी को ये डिसाइड करने दे ही नहीं सकते हैं। दिलों के अंदर क्या चल रहा है, कोई कैसे क्या महसूस कर रहा है, ये कोई भी ऐप ये बता नहीं सकता है। इसके लिए तो जैसे कि मैंने बोला, सामने आमने सामने बैठ के ही बात करनी पड़ेगी, वक्त बिताना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके बगीचे में फूल खिलेंगे। तो जाते जाते मैं आपको ये 2-3 लाइनें बोल के जाऊंगी कि ज़रूरी नहीं कि वो आपकी हर तस्वीर पे लाइक और कमेंट्स करे, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी हर तस्वीर पे लाइक्स एंड कमेंट्स करे, ज़रूरी नहीं कि वो गुड मॉर्निंग के मैसेज के बाद आपको गुड नाइट का मैसेज भी भेजे, ज़रूरी नहीं कि वो आपका प्यार आपकी तरह ही जताए। तो इन लाइनों के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। हार्ट टू हार्ट शो में मिलूँगी अगले वेंसडे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए कि मैं बात करूं, देन प्लीज़ मैसेज मी, जैसे कि मैंने बोला मेरे इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, एंड देन आई वुड डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट एंड विल टॉक ऑन दोज टॉपिक्स। लेकिन अभी मैं छोड़े जा रही हूँ आपको एक ये बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ, और लेती हूँ मैं आपसे अलविदा। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत सारा ढेर सारा ध्यान रखिए। तुम सुनो कि मैंने तुम
तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। देसी रेडियो कलेक्शन है, सुरों की एक्शन है, दिल से कनेक्शन है, सॉन्ग सेलेक्शन है, शुद्ध देसी रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। आप सुन रहे हैं मुझे हार्ट टू हार्ट में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। आपके दिल के करीब जाने का समय आ गया है। चलते एक नए सफ़र पे जहां दिल की सच्चाइयों से होंगी सच्ची बातें, आपके दिल की बातें हमारे दिल से, हार्ट टू हार्ट में।